हेलो एवरीवन। सो सॉफ्टवेयर बहुत अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स को, बहुत अट्रैक्ट करता है। बीटेक में होते हैं, सॉफ्टवेयर चलाते हैं, बड़ा खुशी मिलता है कि ओके सो सॉफ्टवेयर में मैंने बिल्डिंग बनाया, सॉफ्टवेयर में मैंने ड्राइंग बनाया, बड़ा अच्छा फीलिंग आता है। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि सॉफ्टवेयर कितना बेनिफिशियल है, कितना इस पर फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दैट यू हैव टू नो। फिर कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सीखना चाहिए सब मैं बता दूंगा इस वीडियो में, क्लियर। सो इट्स वेरी सिंपल, सॉफ्टवेयर सीखना आज के डेट में मैंडेटरी चीज है। विदाउट सॉफ्टवेयर यू डोंट हैव एनी फ्यूचर, दिस इज वेरी क्लियर। कोई कुछ भी बोलता रहे कि नहीं सॉफ्टवेयर से ज्यादा बुक से पढ़िए, बुक से पढ़िए, बुक से कॉन्सेप्ट मिलेगा, सॉफ्टवेयर से कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। देखिए मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर बता देता हूं, जो लोग कॉन्सेप्चुअल होते हैं वो सॉफ्टवेयर भी कॉन्सेप्चुअली चलाते हैं, और जो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं उन लोगों से हैंड कैलकुलेशन भी करा दीजिए ना तो भी वो कॉपी पेस्ट ही करते हैं, हैंड कैलकुलेशन में भी कॉपी पेस्ट करते हैं। और जिनको कॉन्सेप्चुअली काम करने की आदत है ना वो सॉफ्टवेयर भी कॉन्सेप्चुअली चलाते हैं, दिस इज द डिफरेंस। तो ये जो मार्केट में लोग आप लोगों को सजेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो नॉलेज नहीं होगा, बुक पढ़ोगे तो नॉलेज होगा, जिन लोगों को नॉलेज लेना है ना वो हर जगह से नॉलेज लेते हैं, और जिनको नॉलेज नहीं लेना है, कट कॉपी पेस्ट करना है, वो एग्जाम में भी अपने आगे पीछे वालों का देख के एग्जाम पास करते हैं, और सॉफ्टवेयर में भी वो लोग पूरी लाइफ कट कॉपी पेस्ट बटन ही यूज करते हैं। और जिनको कॉन्सेप्चुअली करना है वो कॉलेज में भी कॉन्सेप्चुअली करते हैं और सॉफ्टवेयर भी कॉन्सेप्चुअली चलाते हैं, इजंट इट। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, सॉफ्टवेयर यूज करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे हैं देन यू विल बी आउटडेटेड वेरी सून। तो सब कुछ सॉफ्टवेयर पे हो रहा है आज के डेट में, जितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो सब मैनुअली ना तो आप एनालाइज कर सकते हैं ना डिजाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, वो सब सॉफ्टवेयर के ही हेल्प से होता है। सॉफ्टवेयर से बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी आउटपुट होता है, बेसिक क्लियर रहेगा सॉफ्टवेयर जल्दी जल्दी समझ में आएगा, बेसिक क्लियर नहीं रहेगा सॉफ्टवेयर 20 साल भी यूज कीजिएगा तब भी नहीं समझ में आएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। जो लोग भी कन्वेंशनल थॉट के हैं, जो लोग ये बोलते हैं नहीं बुक ही पढ़ो बुक ही पढ़ो बुक ही पढ़ो, आपको सॉफ्टवेयर सीखना है और कॉन्सेप्चुअली सीखना है, सिंपल। सॉफ्टवेयर सीखना, सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है आपको समझ में आना चाहिए। आप अगर चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं देन सॉफ्टवेयर में भी कोई बुराई नहीं है, सब कुछ चलता है सॉफ्टवेयर पे भी, इज इट क्लियर ना। सो कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, कि अगर आप बीटेक में हैं तो इतना सॉफ्टवेयर तो सीख ही लीजिए, सॉफ्टवेयर का कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, क्लियर, बहुत सारे। लेकिन बीटेक में कितना सॉफ्टवेयर आप कर लीजिए तो अच्छा है, दैट यू हैव टू नो, कि वो बेसिक है। अगर उतना नहीं आपको आता है देन डेफिनेटली देयर विल बी प्रॉब्लम। सो नाउ सी, फर्स्ट वन मैंडेटरी, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, ये मैंडेटरी है। अगर ये आपको नहीं आता है देन इन वेरी रूड लैंग्वेज, जैसे बोला जाता था ना पहले कि ये आदमी निरक्षर है, अंगूठा छाप है, समझ में आया। तो अगर आप ये सब नहीं जानते हैं ना तो आप उसी कैटेगरी में आ जाते हैं आज के डेट में, समझ में आया। MS Word में आप टाइप नहीं कर सकते हैं, Excel में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, और PowerPoint प्रेजेंटेशन एक नहीं बना सकते हैं, तो आप बेसिकली आज के डेट में उसी कैटेगरी में चले जाते हैं। तो बीइंग एन इंजीनियर आपका ये चीज तो कॉलेज में ही खत्म हो जाना चाहिए। कॉलेज में भी आप एप्लीकेशन दीजिए तो हाथ से लिख के नहीं दीजिए, वर्ड में टाइप करके प्रिंट निकाल के उस पर साइन करके दीजिए, समझ में आ गई बात। तो ये तीन तो आपको आना ही चाहिए, इसके बारे में हम इससे ज्यादा और कुछ आपको बताने नहीं जा रहे हैं, ये तो आपको करना ही है ना। ड्राइंग सॉफ्टवेयर, मेरे कॉलेज में एक फैकल्टी थे, बहुत अच्छी बात बोले थे, क्या बोले थे, इंजीनियर्स का दो ही लैंग्वेज होता है, एक मैथमेटिक्स और दूसरा ड्राइंग। इंजीनियर का लैंग्वेज दो ही होता है, एक मैथमेटिक्स और दूसरा ड्राइंग। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं तो आप इंजीनियर नहीं हैं, और अगर आप ड्राइंग बना के अपनी बातों को नहीं समझा सकते हैं तो आप इंजीनियर नहीं हैं। आपको लगता है ऑटोकैड हम क्यों सीखें, हम तो इंजीनियर हैं, ये तो ड्राफ्ट्समैन का काम है। यस, दिस इज द वर्क ऑफ ड्राफ्ट्समैन, लेकिन ड्राफ्ट्समैन सही काम किया कि नहीं, सब कुछ किया कि नहीं, और कभी आपको एडिटिंग करने का जरूरत पड़ गया थोड़ा बहुत इधर उधर, उतना तो नॉलेज होना चाहिए ना। तो आप लोग न्यू जनरेशन में हैं तो विद इन बीटेक
कम से कम ड्राइंग वगैरह बनाना सीख लीजिए, सो दैट कि फ्यूचर में आपको ड्राइंग वगैरह में एडिट करना अगर पड़े तो आप इजी कर सकिए, और आप अपने ड्राफ्ट्समैन को हैंडल कर सकिए कि ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं ऐसे करो इसको, इजंट इट? तो इसके लिए ऑटो कैड ड्राइंग आपको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, बीटेक में ही सीख लीजिए। कहाँ से सीखिएगा? जितना सॉफ्टवेयर हम बोल रहे हैं कहाँ से सीखिएगा? यूट्यूब से। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल हैं जो कि अच्छे से सॉफ्टवेयर वगैरह सिखाते हैं, सीरीज ऑफ लेक्चर अवेलेबल है, इतना तो जरूर सिखा देते हैं कि उससे आप लोगों का काम चल जाएगा। सो आराम से ऑटो कैड यूट्यूब पे देख लीजिए, किसी भी टीचर का, जिस टीचर का अच्छा लग जाए उस टीचर का उठा के देख लीजिए, सॉफ्टवेयर मिल ही जाता है सबको, इधर उधर से जुगाड़ हो ही जाता है, लाइसेंस तो लोग लेते नहीं है, जो भी मिलता है आप उसको ले लीजिए और उससे सीख लीजिए। स्टूडेंट वर्जन फ्री भी तो मिलता है, ट्रायल वर्जन 30 डेज का फ्री मिलता है, सो उसको भी आप यूज करके कर सकते हैं। सो ऑटो कैड इज मस्ट, ऑटो कैड सीख लीजिए, बहुत जरूरी है ऑटो कैड। देन बेंटले स्टैट प्रो, इंडिया में स्टैट प्रो बहुत पॉपुलर है। स्टैट प्रो इज एनालिसिस सॉफ्टवेयर। वो कौन सा सॉफ्टवेयर था? ड्राइंग बनाने के लिए था। इसमें एनालिसिस होता है, बिल्डिंग बनाए, बिल्डिंग पे लोड लगाए तो किस कॉलम में किस बीम में कितना फोर्स आया, कितना शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ये सब आया, ये सब इससे पता चलता है। तो अगर आप स्टैट सीखते हैं तो अच्छी बात है, स्टैट अगर आप सीख लेते हैं तो ये इंजीनियर का सॉफ्टवेयर है, ये ड्राफ्टमैन का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये इंजीनियर का सॉफ्टवेयर है। सो आफ्टर लर्निंग दिस सॉफ्टवेयर यू विल बिकम अपडेटेड इंजीनियर। फील अच्छा होता है ना, ये सब वर्ड सुन के भी अच्छा लगता है ना, हाँ गूज़बम्स हो जाते होंगे, नहीं? एडुकेटेड अपडेटेड इंजीनियर आप लोग बन जाइएगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर, क्लियर? सो बेंटले स्टैट प्रो, बेंटले कंपनी का नाम है, स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर का नाम है, इजंट इट? तो आप स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर को सीख लीजिए। कहां से सीखना है? यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। देन ई टैप्स, ई टैप्स इज ओनली फॉर द बिल्डिंग्स, मेनली इससे बिल्डिंग्स के बारे में एनालिसिस होता है। बुर्ज खलीफा जानते होंगे, बुर्ज खलीफा से ये सॉफ्टवेयर बहुत पॉपुलर हो गया, बुर्ज खलीफा में इस सॉफ्टवेयर से बहुत काम हुआ था, तो इससे हाई राइज बिल्डिंग वगैरह बहुत सारा डिजाइन होता है। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये सॉफ्टवेयर या स्टैट प्रो या दोनों सीख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, दोनों सीख लीजिए बहुत अच्छी बात है, कोई एक भी सीख लीजिएगा तो काम हो जाएगा, क्लियर? ये सब ऐसा नहीं है कि हम जो सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं सब सॉफ्टवेयर सीखना जरूरी है। ऑटो कैड मस्ट, स्टैट प्रो, ई टैब और आगे एक और सॉफ्टवेयर बता रहे हैं, इसमें से कोई एक, ठीक है? कहां से सीखना है? यूट्यूब से सीखना है। SAP 2000, सो ये भी सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर है, जैसे स्टैट वर्क करता है उसी तरह सैप वर्क करता है। बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में जो कि स्टैट नहीं यूज करती है, सैप यूज करती है, लेकिन स्टैट ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में। तो अगर आप स्टैट सीखिएगा तो ज्यादा एक्सेप्टेबल होइएगा, सैप भी सीखिएगा, देन दिस इज ऑल्सो गुड सॉफ्टवेयर। तो सैप, स्टैट और ई टैब तीनों सीख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, दो सीख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, एक भी सीख लीजिएगा आपका काम हो जाएगा, इज इट क्लियर? सो ड्रॉइंग और इन तीन में से कोई एक सॉफ्टवेयर। इसके बाद 3D, आज के डेट में लोग 3D, हर चीज का 3D चाहते हैं, 3D अच्छा लगता है देखने में, एक बार में विजुअलाइज हो जाता है, ऐसे प्लान देखो, एलिवेशन देखो, सेक्शन देखो, तब समझ में आता है, 3D देख लीजिए तुरंत समझ में आ गया। 3D बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, बहुत पॉपुलर, डे टू डे में बढ़ता जा रहा है इंपॉर्टेंस इसका, बढ़ता जा रहा है। तो आप अगर 3D सॉफ्टवेयर भी कोई एक सीख सकते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। 3D बनाइएगा ना, बड़ा अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। आप अपने घर का 3D बना लीजिए और अपने मम्मी पापा को दिखाइए, खुश हो जाएंगे, अपने मम्मी पापा को लगे आपका बेटा, उनका बेटा इंजीनियर बन गया, इजंट इट? तो आप ये भी कर सकते हैं, तो अपने घर का ही बना लीजिए। कौन सा 3D सॉफ्टवेयर सीखना अच्छा है? ऑटोडेस्क का 3ds मैक्स आता है एक सॉफ्टवेयर, 3ds मैक्स, एक ये सॉफ्टवेयर है, एक टेकला है और एक रेबिट है। 3ds मैक्स, टेकला, रेबिट, तीन में से कोई एक सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, बहुत अच्छा, तीनों सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं और भी अच्छा। ऐसा नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर से दूसरा सॉफ्टवेयर कंप्लीटली डिफरेंट होता है, अगर एक सॉफ्टवेयर आप सीख लेते तो दूसरे सॉफ्टवेयर को सीखने में बहुत हेल्प मिलता है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। तो एक आप सीख लिए तो दूसरा ऑटोमेटिकली जल्दी सीख जाते हैं। तो इन तीन में से कोई भी, अब इन तीन में से कौन सा सीखना है कैसे पता चलेगा? यूट्यूब पे 1000 वीडियो है, डाल दीजिएगा रेविट सीखेगी टेकला, 1000 वीडियो आ जाएगा, जो सीखना होगा सीख लीजिएगा, क्लियर? इंपॉर्टेंट है कि सीख लीजिए। सो समराइज कर रहे हैं, ऑटो कैड 2D ड्राइंग बनाना मैंडेटरी है, आना ही चाहिए,
SAP, ETAB और Statflow, इन तीन में से कोई एक सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, और इन तीन में से कोई एक सॉफ्टवेयर सीख लीजिए। इतना भी अगर आप सीख लेते हैं ना, आप बीटेक से बाहर निकलिएगा, देन यू विल बी एन इंजीनियर। ठीक है, आप रियली काम करने वाले इंजीनियर रहिएगा, कि आपको कोई कंपनी हायर करेगी तो डायरेक्टली फर्स्ट डे से आपको कुछ काम दे सकती है। अदरवाइज कंपनी में जाइएगा, आप कुछ कर नहीं पाइएगा, देन 6 महीने तक तो आपसे फोटोकॉपी और प्रिंटआउट लोग निकलवाते रहेंगे। लोग तो कंपनी में जाके लोगों को समझ में आता है कि लैंडस्केप का क्या मतलब है, पोर्ट्रेट का क्या मतलब है, क्यों, कॉलेज में कुछ करते ही नहीं है। तो लैंडस्केप पोर्ट्रेट तो समझ में आता है कंपनी में जाने के बाद, फोटोकॉपी लोग 6 महीने तक फोटोकॉपी करते रहते हैं, क्यों, समझ में ही नहीं आता है सॉफ्टवेयर वगैरह। तो इसलिए, तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीजों से दूर रहना है, देन आप सॉफ्टवेयर कॉलेज में सीख लीजिए। आज के डेट में इजली यूट्यूब पे अवेलेबल है, आराम से यूट्यूब को यूज कीजिए और ये सब सॉफ्टवेयर सीखिए। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत सारा और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, बट वो सब हायर लेवल का सॉफ्टवेयर है, वो सब सॉफ्टवेयर आपको इजिली मिलेगा नहीं, क्लियर। और वो सब सॉफ्टवेयर आप कंपनी में भी जाइएगा ना, तो वहां भी लोग आपको सिखा देंगे, वहां पे ट्रेनिंग वगैरह चलता है। ये सब सॉफ्टवेयर आज के डेट में बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर हो गया है, तो बेसिक सॉफ्टवेयर हो गया तो ये सब आप लोग खुद से भी सीख सकते हैं, क्लियर। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा गाइडेंस मिल गया होगा रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर। बहुत लोग पूछते रहते हैं सर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, क्या करें, कैसे करें। सो जो आप लोगों को इंटरेस्ट हो इन सब में से कोई भी, आप यूज कर लीजिए और सीख लीजिए, और अपने आप को एक स्किलफुल इंजीनियर बनाइए। स्किलफुल इंजीनियर, दैट इज इंपॉर्टेंट। केवल इंजीनियर नहीं बनना है, स्किलफुल इंजीनियर बनना है। ओके, थैंक यू। इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस। An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators. Right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. An Academy Combat. Register now.